पैर का अंगूठा कैसे हमारे लिए तरक्की और उन्नति का रास्ता बना सकता है, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हाथ के अंगूठे के बारे में तो बहुत कुछ बताया, उसकी विशेषताएं बताई, बनावट संरचना, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है अगर हमारे हाथ में कैसा अंगूठा है। अब पैर के अंगूठे की बात करते हैं, पैर का अंगूठा क्या कुछ कहता है? पैर का अंगूठा पूरे शरीर में पावर स्टेशन का काम करता है। जैसे बिजली को ग्रिड के द्वारा पूरे देश में भेजा जाता है, उसी तरह से व्यक्ति के शक्ति का शक्तिपात अंगूठे के द्वारा, पैर के अंगूठे के द्वारा होता है। चरण स्पर्श में भी अंगूठा चमत्कार करता है। पैर के अंगूठे द्वारा भी शक्ति संचारित होती है, इसलिए पहले किसी राजा महाराजा के द्वारा जब किसी ऋषि मुनि को प्रणाम किया जाता था तो राजा महाराजा साष्टांग दंडवत करके अपने दाहिने हाथ और बाएं हाथ की तर्जनी को ऋषि मुनि के अंगूठे पर रखते थे और अंगूठे के शक्ति से तर्जनी के अंदर जो शक्तिपात होता था उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होता था। आज तो प्रणाम है तो लोग घुटने को भी प्रणाम कर लेते हैं, जांग को प्रणाम कर लेते हैं या पैर के तलवे के ऊपरी भाग को लोग प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग जरा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं वो लोग पैर का अंगूठा ही छूना चाहते हैं। हमारे यहाँ मिर्जापुर जिले में जब मैं विंध्यवासिनी में रहता था तो वहाँ जो लोग मिलने आते थे तो मैं चौकी पे अपना समेट सुमेट के बैठा रहता था तो ज़्यादा कोशिश करते थे, अंगूठे ढूंढते थे पहले, और जब तक अंगूठा उन्हें दिखा न दो तब तक वो चैन से रहने वाले नहीं हैं। अंगूठा खोजते ही रहेंगे, खोजते ही रहेंगे, अंगूठा पा जाएंगे बस उनकी शांति हो जाएगी, फिर आप उनको कुछ बताइए न बताइए वो संतुष्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि सचमुच में अगर किसी विद्वान पुरुष का, किसी तपस्वी पुरुष का, किसी साधक का अंगूठे का स्पर्श करने का अवसर आपको मिल जाए, पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ सारे कर्म एक तरफ धरे के धरे रह जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, असंभव भी संभव हो जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहि दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। और संतों के तो अंगूठे से ही पावर गिरता है ना, अंगूठे से ही पावर निकलता है ना, तो शक्ति का संचार कहाँ से होता है? पैर के अंगूठे से। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है, यही कारण है बुद्धिमान विद्वान साधक वृद्धजनों के चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है उससे अविद्या रूपी अंधकार मनुष्य का नष्ट होता है और व्यक्ति उन्नति करता है। आप जानते हैं अंगूठे को देख करके किसी आदमी के भाग्य का बहुत हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे महिलाओं का देख लीजिए, अगर अंगूठा बेलनाकार गोलाकार है, नाखून सुंदर है और अंगूठा बिल्कुल गोला राउंड है और थोड़ा सा ना बहुत नाटा है ना बहुत बड़ा है और एकदम सीधा है, तो ऐसी महिलाएं पद्मिनी स्त्रियां होती हैं। इनके चलने पर इनके पैरों से आवाज़ नहीं आती है, इनका गर्दन
बहुत ही सुंदर होता है। और ऐसी महिलाएं अगर झोपड़ी में भी ब्याह दी जाएं, वहां भी राजमहल बन जाता है। लेकिन अगर पैर का अंगूठा बहुत मोटा हो, थुलथुला हो, या फिर पैर का अंगूठा जहां से पैर से जुड़ता हो वहां बहुत पतला हो और ऊपर जाकर चौड़ा हो जाए, जैसे कछुए का सर होता है, और बाएं तरफ अंगूठा बाहर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा हो, तो ऐसी महिलाओं का पति श्रम करके आजीविका करने वाला, बहुत दुखी जीवन जीने वाला, अभाव में जिंदगी बिताने वाला, और ऐसी महिलाएं भी दूसरों के घरों में काम करने वाली, किसी तरह से अपनी आजीविका को चलाने वाली, पूरी जिंदगी अभाव और दरिद्रता के बीच में जीवन जीने वाली होती है। इसी तरह से पुरुषों के पैर का भी अंगूठा अगर बेलनाकार, गोलाकार और सुंदर हो, नाखून अंगूठे के अंदर अगर धंसता होगा तब तो आदमी मूर्ख होगा, लेकिन अगर अंगूठे में नाखून नहीं धंसता होगा, अंगूठे की संरचना सुंदर होगी, तो ऐसा व्यक्ति निसंदेह उच्च पद पर आसीन होगा, उच्च पद पर आसीन होगा, प्रशासनिक पद पर आसीन होगा। तो देखिए, अंगूठे की संरचना आपके बस में नहीं, अंगूठे की संरचना भगवान ने जैसी कर दी है वैसे कर दी है। अगर आपके अंगूठे की संरचना सचमुच में गलत है तब तो आज का कार्यक्रम आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप उपाय, वो तो मैं यथासंभव अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा ही। जय माँ विंध्यवासिनी।